morning, everyone. I want to teach English literature of class 3. Chapter 1. Topic: Lizard's Tail. Chapter 1. मैं लिजी लिजार्ड्स टेल को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज मैं आप लोग को वर्ड मीनिंग लिखवाने जा रही हूँ. स्टोरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, पार्ट चैप्टर वन का पार्ट वन. आज पार्ट टू में मैं आप लोग को कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखा रही हूँ, उसको आप लिखेंगे. ओपन योर नोटबुक. चैप्टर वन वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दार्थ. कुछ वर्ड मीनिंग्स बुक पढ़ाते समय आया था स्टोरी में, उसको आप लोग लिखेंगे. प्राउड, पी आर ओ यू डी, प्राउड. प्राउड मीन्स गर्व या घमंड. लिजी लिजार्ड को अपने पूछ पे घमंड था, वही प्राउड. प्राउड मीन्स गर्व या घमंड. रिलैक्स, आर ई एल ए एक्स, रिलैक्स. रिलैक्स मीन्स आराम. रिलैक्स मीन्स आराम. कंपनी, सी ओ एम पी ए एन वाई, कंपनी मीन्स संगति. कंपनी मीन्स संगति. जर्क, जे ई आर के, जर्क. जर्क मीन्स झटका. लिजार्ड की पूछ जब शरीर से अलग हो गया था तो उसको झटका गिर गई थी पत्थर पर से, तो उसको झटका लगा था. डस्टी, डी यू एस टी वाई, डस्टी मीन्स धूली पूर्ण. डस्टी मीन्स धूली पूर्ण. हॉरिबल, हॉरिबल, एच ओ डबल आर आई बी एल ई, हॉरिबल मीन्स भयानक. हॉरिबल मीन्स भयानक. हॉरिबल मीन्स भयानक. स्ट्रेंज, एस टी आर ए एन जी ई, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र. स्ट्रेंज मीन्स विचित्र. सॉफ्ट, एस एच ओ सी के ई, सॉफ्ट. सॉफ्ट मीन्स सदमा. सॉफ्ट मीन्स सदमा. फ्राइटेंड, एफ आर आई जी एस टी इन, फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स भयभीत. भयभीत. फ्राइटेंड मीन्स भयभीत. दाव, टी एच ओ यू जी एच, दाव मीन्स हालांकि. दाव मीन्स हालांकि, यद्यपि भी इसको कह सकते हैं. सडनली, एस यू डबल डी ई एन एल वाई, Suddenly means अचानक. Suddenly means अचानक. Ugly, U G L Y, ugly. Ugly means बदसूरत. उसकी पुरानी पूछ बदसूरत हो गई थी, अगली हो गई थी. किसकी? लिजी लिजार्ड की. Ugly means बदसूरत. उसी का अपोजिट
ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, बदसूरत और खूबसूरत। अगली मीन्स बदसूरत और ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत। डिसाइड, डी आई सी डिसाइड, डी ई सी आई डी, डिसाइड मीन्स निर्णय करना, फैसला करना, निर्णय करना। आइए इसको हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। प्राउड, लीजी लिजास्टेल का वर्ड मीनिंग प्राउड। प्राउड मीन्स गर्व या घमंड, पी आर ओ यू डी, प्राउड। प्राउड मीन्स गर्व। रिलैक्स, आर ई एल ए एक्स, रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स आराम। कंपनी, सी ओ एम पी ए एन वाई, कंपनी मीन्स संगति। जर्क, जे ई आर के, जर्क। जर्क मीन्स झटका। डस्टी, डी यू एस टी वाई, डस्टी। डस्टी मीन्स धूलिपूर्ण। हॉरिबल, एच ओ डबल आर आई बी एल ई, हॉरिबल मीन्स भयानक। स्ट्रेंज, एस टी आर ए एन जी ई, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र। सॉक, एस एच ओ सी के, सॉक। सॉक मीन्स सदमा, सॉक मीन्स सदमा। फ्राइटन, एफ आर आई जी एस टी ई एन, फ्राइटन। फ्राइटन मीन्स भयभीत। दाव, टी एच ओ यू जी एच, दाव। दाव मीन्स हालांकि। सडनली, एस यू डबल डी ई एन एल वाई, सडनली। सडनली मीन्स अचानक। अगली, यू जी एल वाई, अगली। अगली मीन्स बदसूरत, अगली मीन्स बदसूरत। ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत या सुंदर। डिसाइड, डी ई सी आई डी ई, डिसाइड। डिसाइड मीन्स निर्णय करना या फैसला करना। यह आपका लीजी लिजास्टेल का वर्ड मीनिंग हो गया। इसे आप लोग अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। आइए अब मैं इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको मैं लिखवा देती हूँ। अब मैं बोर्ड क्लीन कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर लिखवाने के लिए। वर्ड्स मीनिंग अवश्य याद कर लेंगे। जब वर्ड्स मीनिंग याद रहेगा तो आपको कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओपन योर बुक, पेज नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर दिस क्वेश्चन ए का वन। आंसर, सॉरी पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए का वन, ए का वन क्वेश्चन है, वेयर डिड लीजी लिजार्ड लिव, वेयर डिड लीजी लिजार्ड लिव, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, डी आई डी, वेयर डिड लीजी लिजार्ड लिव, लीजी एल आई डबल जेड वाई, लीजी एल आई जेड ए आर डी, लीजी लिजार्ड लिव, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है तो इनमें क्वेश्चन मार्क अवश्य देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर डिड लीजी लिजार्ड लिव, लीजी लिजार्ड कहाँ रहती थी, छिपकिल्ली का नाम है लीजी लिजार्ड, वह कहाँ रहती थी।
इसका आंसर इस प्रकार देंगे। लीजिए लिजर्ड्स कहाँ रहती थी? सबसे फर्स्ट में ही है आपका आंसर। लीजी लिजर्ड लिव्ड बिटवीन LIVED लिव्ड बिटवीन कहाँ? पत्थरों के बीच में रहती थी ना, और कहाँ रहती थी? जंगल में। सम रॉक्स इन अ लिव्ड बिटवीन सम रॉक्स, चट्टानों के बीच जंगल में रहती थी। लीजी लिजर्ड कहाँ रहती थी? लीजी लिजर्ड लिव्ड बिटवीन सम रॉक्स इन अ फॉरेस्ट। लीजी लिजर्ड लिव्ड बिटवीन सम रॉक्स इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, बिटवीन मीन्स बीच में, और सम रॉक्स मीन्स कुछ चट्टान। यानी लीजी लिजर्ड एक जंगल में कुछ चट्टानों के बीच में रहती थी। क्वेश्चन नंबर टू आपका है, व्हाट वाज लीजी लिजर्ड प्राउड ऑफ? व्हाट WHAT व्हाट वाज WAS व्हाट वाज, व्हाट वाज लीजी लिजर्ड LIZZY लीजी LIZARD व्हाट वाज लीजी लिजर्ड प्राउड ऑफ? PROUD प्राउड ऑफ, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है। तो आपका यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लीजी लिजर्ड को किस पे गर्व था, वह किस चीज पे घमंड करती थी? आप लोगों को पता होगा क्योंकि कहानी मैं पढ़ा चुकी हूँ। डू यू नो लीजी लिजर्ड को किस चीज पे घमंड था, वह किस पे घमंड करती थी? जल्दी से बताएंगे, किस पे घमंड करती थी? ब्यूटीफुल टेल। ओके, ब्यूटीफुल टेल यानी अपने सुंदर पूंछ पर घमंड करती थी। लीजी लिजर्ड वाज, आंसर लिखेंगे यहां से लीजी लिजर्ड वाज WAS वाज प्राउड PROUD प्राउड ऑफ हर एज या हर क्या? ब्यूटीफुल टेल, उसकी पूछ बहुत सुंदर थी इसलिए वह अपने पूछ पे घमंड करती थी। तो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया कि लीजी लिजर्ड वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल टेल, यानी लीजी लिजर्ड अपने सुंदर पूछ पर घमंड करती थी। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या कह रहा है, व्हाट डिड द लिजर्ड्स डू इन द डे टाइम? व्हाट डिड WHAT व्हाट DID डिड व्हाट डिड द लिजर्ड्स THE द LIZARD व्हाट डिड द लिजर्ड्स डू इन द डे टाइम? DO IN THE द इन द डे टाइम क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लीजी लिजर्ड व्हाट डिड द लिजर्ड डू इन द डे टाइम? लिजर्ड जो थी वह दिन के समय में क्या करती थी? तो इसका आंसर क्या होगा, हम लिख रहे हैं लीजी लिजर्ड दिन के समय में वह समतल पत्थरों पर लेट जाती थी और क्या करती थी? धूप सेका करती थी। लिजार्ड द लिजार्ड LIZARD द लिजार्ड लेट क्वाइटली लेटती थी। कैसे लेटती थी? क्वाइटली एकदम शांतिपूर्वक चुपचाप क्वाइटली द लिजार्ड लेट क्वाइटली ऑन सम some flat stone and some flat stone
एंड सनबाथ, एस यू एन बी ए टी एच ई, सनबाथ इन द डे टाइम, इन टी एच ई द डे टाइम। क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड द लिजार्ड डू इन द डे टाइम, लिजार्ड जो है दिन के समय में क्या करती थी, तो इसका आंसर होगा कि लिजार्ड दिन के समय में कुछ समतल पत्थरों पर लेट जा शांति से या चुपचाप लेट जाती थी और धूप सेका करती थी। अब क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग नोटबुक पर नोट करते जाएंगे क्योंकि एग्जाम होगा तो उसमें आप लोग याद करेंगे और आंसर देंगे। लीजी लिजार्ड
लिजी लिजार्ड डिसाइडेड टू ड्रॉप, डिसाइडेड टू ड्रॉप यानी अपनी पुरानी पूछ को छोड़ने का निर्णय लिया। डिसाइडेड टू ड्रॉप हर ओल्ड टेल, हर एच ई आर हर ओल्ड टेल, हर ओल्ड टेल इन द एंड फुल स्टॉप। जब आंसर लिखते हैं तो फुल स्टॉप देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क देते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। व्हाट डिड लिजी लिजार्ड डू इन द एंड, लिजी लिजार्ड नामक छिपकली है उसने अंत में क्या किया, तो वह क्या करती है, वह अपनी पुरानी पूछ को क्या छोड़ने का डिसीजन ले लेती है, छोड़ने का फैसला करती है, यही अंत में होता है। इस कहानी को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इस कहानी का मैं एक्सप्लेन करवाई थी, इसका स्टोरी ही है, टॉपिक है लिजी लिजार्ड्स टेल यानी लिजी लिजार्ड मींस छिपकली, लिजी लिजार्ड जो है उसकी पूछ के बारे में यह कहानी है कि वह लिजी लिजार्ड नामक एक छिपकली थी, वह कुछ चट्टानों के बीच जंगल में रहती थी, उसकी एक सुंदर पूछ थी और वह अपने सुंदर पूछ पर क्या करती थी, प्राउड करती थी, घमंड करती थी। जब वह चट्टानों के बीच अपने दोस्तों के साथ धूप सेकती थी उसी समय उसको एक झटका लगता है और उसकी पूछ शरीर से अलग हो जाती है, तो वह उसको गहरा सदमा लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसकी नई पूछ निकल जाती है और उसकी पुरानी पूछ हवा में बहा ले जाती है, इसलिए वह धूलीपूर्ण हो जाती है, डस्टी हो जाती है, तो वह क्या हो जाता है, वह गंदा हो जाता है, तो उसकी नई पूछ निकल जाती है, तो वह अंत में अपनी पुरानी पूछ को छोड़ने का फैसला ले लेती है। तो इसी कहानी का यही स्टोरी है कि लिजी लिजर्ड अंत में अपनी पुरानी पूछ छोड़ने का निर्णय